गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं बिहार के जाने माने टुटला भवानी वाटरफॉल। सबसे पहले माँ टुटला भवानी वाटरफॉल का लोकेशन जान लेते हैं। सासाराम रोहतास में पड़ता है माँ टुटला भवानी वाटरफॉल। बिहार के एक ऐसा स्थान जो शारदा प्राकृतिक रोमांच का एक स्थान देखने को मिलता है। गाड़ी पार्क कर लिए हैं, यहाँ गाड़ी पार्क करने का 10 रुपया लगा। चले चलते हैं माँ टुटला भवानी वाटरफॉल की तरफ। तो गाइस अभी आ चुके हैं माँ टुटला भवानी इको पर्यटन स्थल, चलते हैं। तो गाइस यहाँ से बाइक वाइक नहीं जाता है, यहाँ से खुद से टोटो से जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर अंदर है। तो गाइस माँ टुटला भवानी वाटरफॉल इस टोटो से जा रहा है, टोटो का किराया है 10 रुपया, 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है टोटो से। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ टुटला भवानी वाटरफॉल के पास, जा रहे हैं ये हैंगिंग ब्रिज का टिकट लेने। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ टुटला भवानी वाटरफॉल, जो बिहार का एक खूबसूरत नेचुरल साइट है। जो लोग कहते हैं बिहार में कुछ नहीं है, उन लोगों को ऐसे दर्शन कराना चाहिए जो बिहार टूरिज्म का सही डेवलपमेंट हो। तो गाइस शिमला मनाली जाने की जरूरत नहीं है, अपने बिहार में प्राकृतिक वाटरफॉल है। चलिए वाटरफॉल का एक्सपेरिमेंट कराते हैं और यहां से मिलेगा हैंगिंग ब्रिज का टिकट। तो गाइस यहां बिहार टूरिज्म का टिकट मात्र 5 रुपए का है, ये रहा 5 रुपए का टिकट। तो गाइस यहां बिहार सरकार टूरिज्म द्वारा एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है जो इस वाटरफॉल को काफी रोमांच बनाता है। तो गाइस चलिए चलते हैं हैंगिंग ब्रिज पे। ये बिहार टूरिज्म द्वारा 200 मीटर का पहला हैंगिंग ब्रिज है, चलिए चलते हैं और यहाँ से टिकट देके एंट्री करेंगे हम इस हैंगिंग ब्रिज पे। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर वाटरफॉल गिर रहा है और कितना नेचुरल दिख रहा है ये वाटरफॉल। तो लोग बोलते हैं बिहार में क्या बा, तो बिहार में ई बा वाटरफॉल। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ कितना मंकी है, बहुत सारा यहाँ मंकी है। और देख सकते हैं ये कितना, और देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये वाटरफॉल इस हैंगिंग ब्रिज से देखने के बाद, काफ़ी नेचुरल दिख रहा है ये वाटरफॉल। और इस हैंगिंग ब्रिज को लचलाचो पुल भी बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं बिहार का पहला 200 मीटर का हैंगिंग ब्रिज। इस हैंगिंग ब्रिज से देखने के बाद ये वाटरफॉल का खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस चलिए ये माँ टुटला भवानी का मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये रहा मंदिर का गेट, यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हुए जाएंगे और ऊपर की तरफ। और ये देख रहे हैं वाटरफॉल के पानी कितना दूर तक फेंक रहा है, भीग ही जाएंगे इतना पानी गिर रहा है कि बाप रे बाप भीग जाएंगे। जल्दी जल्दी भागने दो दीपू, भागो, पूरा भींग गए। अरे वाह, पानी के फुहारा तो ऐसे पड़ती थोड़ा जैसे ठंडी का कुहासा हो। तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं अब मंदिर के अंदर। अरे देख सकते हैं वाटरफॉल किस तरह से गिर रहा है और इसके ठीक नीचे मंदिर है अंदर में, देख सकते हैं मंदिर के पास आ चुके हैं और किस तरह से वाटरफॉल गिर रहा है, एकदम स्विट्जरलैंड जैसे गिर रहा है ये वाटरफॉल, एकदम लग रहा है कि स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड का ये वाटरफॉल है, देख सकते हैं किस तरह से गिर रहा है। तो गाइस मंदिर की तरफ चल रहे हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पर काफी मंकी है। तो गाइस ये रहा टुटला भवानी का मंदिर, ये ऊपर पहाड़ियों में है और मंदिर के ऊपर से ये वाटरफॉल का खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाता है, देख सकते हैं ये वाटरफॉल किस तरह से गिर रहा है। गाइस फाइनली हम माँ टुटला भवानी के दर्शन कर चुके हैं, ये रहा मेरा कैमरामैन। गाइस मंदिर का दर्शन हो चुका है। तो गाइस ये देख सकते हैं मंदिर के पास वाला वाटरफॉल के व्यू है और इस वाटरफॉल के नीचे किस तरह से लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हम लोग मंदिर से रिटर्न हो रहे हैं। गाइस माँ टुटला भवानी का फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं और मंदिर से जा रहे हैं बाहर की तरफ और ये देख सकते हैं वाटरफॉल का पानी कितने दूर तक फेंक रहा है, एकदम कुहारा जैसा, और जी कर रहा है कि इस वाटरफॉल को बस निहारता ही रहूं। गाइस इस वाटरफॉल को घूम के मुझे तो काफी अच्छा लगा। आई होप कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।